वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची और हैदराबाद के आवाम को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराई है। इरफान मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान बताएगा मुलाकात का अहवाल क्या रहा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फरोग नसीम, अमीन उल हक, कंवर नवीद, नसरीन जलील और मेयर कराची वसीम अख्तर शामिल थे। और इस मुलाकात में कराची और हैदराबाद से मुतालिक अमूर पर बात की गई, जबकि सदारती इंतखाब भी मौजू गुफ्तगू रहा। हमारे एमक्यूएम में मौजूद ज़राए ने यह दावा किया है कि एमक्यूएम ने इस मुलाकात में कराची के लिए पैकेज मांग लिया है और वज़ीर-ए-आज़म से यह सदा की है कि सदारती पैकेज से पहले ही सदारती इंतखाबात से पहले ही कराची पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि माजी में भी बहुत से वादे किए गए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ी डिमांड है जो एमक्यूएम की तरफ से सामने आई है, जबकि जो एमक्यूएम के कारकुन मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद हैं उस हवाले से भी एमक्यूएम ने रिलीफ मांगा है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से फिलवक्त कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। हम कह सकते हैं कि सदारती इंतखाबात से पहले एमक्यूएम ने बड़ी डिमांड कर दी है वज़ीर-ए-आज़म से, एक कराची पैकेज मांगा है, दूसरा अपने मुकदमात में नामजद कारकुनों के लिए रिलीफ मांगा है और तीसरा जो एमक्यूएम के कारकुन मिसिंग है उनकी बाजियाबी के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये बातचीत हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि कानून के मुताबिक इस मामले को देखा जाएगा, लेकिन फिलवक्त वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई भी यकीन दहानी नहीं कराई गई। यकीन दहानी नहीं कराई गई। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।